जिस टाइम मुझको गिरफ्तार किया गया था उस वक्त तो मेरी मंथली इनकम जो है 65,000 थी, और उस टाइम जो है फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी 13,700 थी, उससे 5 गुना ज़्यादा, 5 times more मेरी इनकम थी। आज फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी 1.5 लाख के आसपास है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मुझको 7.5 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से कंपनसेशन दे सकती है, मैं मांगूंगा नहीं। ये गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है कि न्याय करे, जिसका जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करे। मेरे समाज का जो नुकसान हुआ है, मेरी कौम मुसलमान जो बदनाम हुए हैं, मेरे मुझ पर आरोप लगने की वजह से 10 साल तक मेरे गांव पर दहशतगर्दी का लेबल लगा रहा। मेरे गांव के लोग जो है अपने कारोबार के लिए देश भर में, दुनिया भर में, जग भर में जाके अच्छे से कारोबार नहीं कर सकते थे। मेरे गांव का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके लिए एक अलग जो है इंक्वायरी कमीशन बिठाए, और जिन लोगों ने यहाँ से लेकर वहाँ तक, एक गांव से गली से लेकर दिल्ली तक जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे निर्दोष लोगों को फंसाने में, उनको बराबर पकड़ा जाए। इसके बारे में IPC में बहुत सारी सेक्शंस हैं, उस सेक्शन के इस्तेमाल करते ही इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और ताकि आगे चलकर किसी निर्दोष को ना पकड़ा जाए। डॉटर जो है 2 साल की थी, हसन जो है छोटा बेटा 4 महीने का था। एक बाप की जो जिम्मेदारी थी बच्चों की तरबियत की, वो मैं नहीं कर पाया। मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए जो काम होना चाहिए था, ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? गुजरा हुआ वक्त तो क्या कोई वापस ला सकता है? नुकसान ऐसा हो गया है कि सरकार चाहे भी तो उसकी भरपाई नहीं कर सकती है, लेकिन जख्म के ऊपर मरहम तो लगा सकती है। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करके देश की सेवा का मौका देकर जो है, कम से कम मेरा जो सबसे अहम जो मकसद था कि मैं अपने देश की सेवा करूँ, चाहे पॉलिटिक्स के ज़रिए, चाहे सोशल वर्क के ज़रिए, ये मेरा सबसे ज़्यादा मेन जो है मोटिव था, मेरा खास काम यही था। आज अगर सरकार मुझको जो है देश की सेवा का मौका देती है तो कम से कम जो है मेरे जख्मों पे मरहम लग जाएगा। RSS चीफ के साथ भी मैं बैठना चाहूँगा, BJP की भी जो है होम मिनिस्टर है, और भी जो लोग एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट देते हैं, मैं इन लोगों के साथ रह के अब देश की जो है सेवा के लिए लगना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों के बीच में जो फासला है वो दूर हो जाए, एक दूसरे के बारे में जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाए।